करके आपको बता पाएंगे। जैसे ऑलवेज साइड डिक्लेयर होगी विल गो डाउन एज अ लेमैन आई विल हैव टू गो डाउन वंस अ टेक्निकल टीम गिव्स अस क्लीयरेंस फिर आपको हम लोग वापस बाहर आएंगे विल गिव यू एनालाइज किया जाएगा कि कितना वो तो उसको टाइम लगेगा वो 5 मिनट का एक मिनट मैडम बोलने दीजिए ना जी सर तो एनालिसिस को टाइम लगेगा इट विल टेक अ वीक्स टाइम वो आज पूरे दिन उधर रहेंगे जो टेक्निकल गाइस है दे देयर होल डे कल का दिन भी रहेंगे और फिर विल गो बैक टू ऑफिस सिट एंड एनालाइज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव रैप्स सब बाहर आएगा ऑलमोस्ट एक 10 दिन निकल जाएगा ये पूरी एक्सरसाइज करके एयर का प्रेशर भी होगा 22 तारीख को जब ये डेमोलिश होगी बिल्डिंग उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से कैसे कंट्रोल हो सकता है आप बताइए मुझे मैं पूछ रहा हूं उसके लिए भी कुछ नहीं नहीं इससे तो डस्ट वही डस्ट क्रिएट करेगा सर हाँ, जब भी दो स्लैब एक दूसरे पे गिरेंगे तो जो वैक्यूम रहेगा हाँ, वो एयर को बाहर फेंकेगा हाँ, तो वही डस्ट क्रिएट करता है गैस गैस पाइपलाइन भी है उसके लिए सेंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर उसने ऑलरेडी आज भी उस पर मॉनिटरिंग किया हुआ है आज के ब्लास्ट पे भी गैस पाइपलाइन पे मॉनिटरिंग हुआ है चार पॉइंट्स पे हुआ है एटीएस साइड हुआ है एमरल्ड साइड पे रखा है सो वो मॉनिटरिंग भी हम अभी देख लेंगे उसका रिजल्ट क्या और क्या आस पास की इमारतों को भी इवैक्यूएट किया जाएगा वहां से भी लोगों को निकाला जाएगा जिस दिन ब्लास्ट होगा 100% उस डस्ट से निपटने के लिए फिर क्या कुछ तैयारी रहेगी 22 मई को डस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है डस्ट आएगा ही बिकॉज ये इतना इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है कि 2 सेकंड में एक डस्ट का इतना बड़ा क्लाउड आ जाएगा एक एक आप कुछ नहीं कर सकते एक और पॉइंट है जिसमें ये कहा जा रहा है जो आसपास के फ्लैट वाले लोग हैं फ्लैट्स के ओनर हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका जो है इंश्योरेंस वगैरह भी जो है कंपनी या सरकार की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा उसमें कर रहे हैं। जी ये हम करने वाले हैं हाँ ये हमारी खुद की डिटेल बता दीजिए उसकी नहीं डिटेल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि हाँ। ये ब्लास्ट के 15 दिन पहले ही ये निकलेगा इंश्योरेंस हाँ। हम लोग ऑलरेडी 3 कंपनी से बात कर रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस न्यू इंडिया इंश्योरेंस और टाटा AIG सो 3 में से 1 जन को हम फाइनल करेंगे बिकॉज वी आर राइट नाउ टेक्निकली उनको इवेल्यूएट कर रहे हैं उनके लिए भी एक वन ऑफ इट्स काइंड जॉब है हर रोज उनके लिए भी ये इंश्योरेंस आते नहीं है तो वो लोग को भी टाइम लग रहा है कि भाई ये उनके HO पे जाता है वहाँ डिस्कशन होता है नंबर ऑफ पर्सन भी आइडेंटिफाई नहीं होंगे वो भी अभी आइडेंटिफाई होगा सर किसके लिए इंश्योरेंस के लिए कितने लोगों का इंश्योरेंस होगा कितने लोगों का नहीं होगा एक कोलैटरल डैमेजेस के लिए होगा क्योंकि लोग तो वहाँ रहेंगे ही नहीं 250 मीटर के रेडियस में कोई लोग नहीं रहने वाले आसपास का जो एरिया है उसको तो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा हमने 250 मीटर के रेडियस में पूरा इवैक्यूएशन क्लियर किया है सो ह्यूमन का डैमेज होना इम्पॉसिबल है ह्यूमन डैमेज और आसपास की डैमेज हो सकता है उसके लिए उसको हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं और उसका इंश्योरेंस कवर लेंगे फॉर कोलेटरल डैमेजेस टू एनी प्रॉपर्टी जो आजू बाजू में कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेंगे जी सर लेकिन जो बिल्डिंग का मलबा है वो कहाँ पे गिरेगा क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है और नहीं मलबा वही जगह पे रहेगा जहाँ हम लोग डायरेक्शन थोड़ा हल्का उनको टिल्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ATS साइड एंड फिर फ्रंट रोड के साइड उसको ले रहे हैं झुका लेकिन मलबा वही का वही गैस पाइपलाइन पे भी नहीं आने वाला उतना प्रिसाइज मलबा रहेगा मलबा ऑलमोस्ट 4 या 5 मजला मलबा रहेगा हाँ, हाँ। तो क्या निष्कर्ष निकला है इस पर सर मैं अंदर ही नहीं गया आपने जाने नहीं दिया कितना समय लगेगा सर इसमें आप लोगों को 15 मिनट में विल कम टू नो CBRI के डायरेक्टर भी है प्लीज उनको भी जाने दीजिए लेट अस इवैल्यूएट क्या हो रहा है एंड विल कम आउट एंड सबको आराम से बैठ के थैंक यू हर खबर पर होगी आपकी पकड़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए